अलीगढ़ के गांव सीहोर में गंदगी के चलते लोग बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। जहां रिपीट है, अभी तक 200 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं तथा 3 लोगों की बुखार के कारण मौत हो चुकी है, जिसको लेकर गांव में भय है। गांव के प्रधान एवं स्वास्थ्य विभाग ने गांव में एक दिन दवा का छिड़काव कराकर खानापूर्ति कर दी। इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बुखार का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग एवं ग्राम प्रधान चुप्पी साधे हैं। वहीं ग्रामीणों ने उक्त घटना की जानकारी विधानसभा कोल के बीजेपी विधायक अनिल पराशर को दी, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में भेजने के लिए ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। बुखार के चलते 12 वर्षीय दुर्गेश की उपचार के दौरान अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल अस्पताल में मौत हो गई तथा उसका भाई भी बुखार से पीड़ित है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर, आज अचानक बुखार आ गया था सुबह जी, दीनदयाल ले गए, उसके बाद इमरजेंसी में भर्ती की, उसके बाद उसमें कर दी। किसमें? ICU में। ठीक। उसके बाद ये घंटे बाद पता चली तो मृत्यु हो गई लड़की की। तो आपके परिवार में से कितने लोग बीमार हैं? करीब 5-6 लोग बीमार हैं, गांव के अंदर 300 लोग बीमार हैं। अच्छा, गांव के अंदर 300 लोग बीमार हैं। हाँ जी। तो इसकी जो आपके यहाँ बीमारी जी चल रही है डेंगू, अब कोई छिड़काव वगैरह कुछ हो रहा है या नहीं? सर, जब पहले हुआ था कुछ नहीं हुआ। टीम वगैरह आ रही है बराबर? गाँव में करीब 15 दिन से माहौल बना हुआ है डेंगू का, जिसके प्रति हमने स्वास्थ्य विभाग से और हमारे माननीय विधायक जी अनिल जी हैं उनको अवगत कराया। उनके अथक प्रयास से ये संभव तो हुआ कि गांव के अंदर मेडिकल टीम की विभाग की टीमें भी आईं, छिड़काव भी हुआ, फॉगिंग भी हुई, लेकिन निरंतरता का अभाव रहा। अच्छा। जैसे जैसे समय गुजरता गया टीमें भी अपना कार्य उसी हिसाब से करती हुई चलती गई। आज भी हमें एक संदेश मिला था दीनदयाल से कि एक बच्चा माधव, जिसके पिता का नाम टीकाराम शर्मा है, 1 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि सोमवार को सैंपल लिया गया लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई। डॉक्टरों से पूछा गया तो बोलते हैं कि हमारे पास सैंपल नहीं है, न रिपोर्ट है, अब हम तुम्हारा इलाज कैसे करें। इसके चलते मैंने वहाँ के CMO भास्कर जी को फ़ोन किया, उसके बावजूद भी कोई भी एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 3 बजे पता चलता है गाँव की बेटी ख़त्म हो चुकी है। अभी मेरी विधायक जी से बात हुई थी फ़ोन पर, मैंने उनको भी अवगत कराया है और आशा करता हूँ विधायक जी इस मामले में सुधर संज्ञान लेकर के और स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए प्रेरित करेंगे। गांव सीहोर में जो भी महामारी चल रही है उसका निराकरण सुचित रूप से करने का प्रयास करेंगे। अरे, गांव में जो महामारी चल रही है इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के बारे में क्या कहना है आपका? स्वास्थ्य विभाग के बारे में यही कहेंगे, काम करते हैं, जब उन्हें लगता है कुछ शांति है तो फिर अपना लापरवाही की तरफ ध्यान देते हैं। तो अब तक कितने लोग इस बुखार से पीड़ित होकर भर्ती हो चुके हैं? अभी अभी मैंने पता किया है, करीब करीब जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 35 लोग दीनदयाल में पॉजिटिव आ चुके हैं डेंगू से। लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो NS1 करते हैं, उसके हिसाब से कम 300 मरीज डेंगू के पॉजिटिव हो सकते हैं। CIBN News की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।